हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल के यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने फोन के डायलर में ऐप को कैसे हाइड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज किए अपने फोन के सेटिंग से ही। और अगर आप ऐप को हाइड नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ लॉक करके रखना चाहते हैं, तो वो भी बताऊंगा इसी वीडियो पे, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज किए। तो यार, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो को मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, आपकी एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले आपको अपने फोन की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ सब थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्राइवेसी का, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। हर किसी कंपनी के फोन में ये फीचर्स अवेलेबल है दोस्तों, ये सैमसंग हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, हर किसी कंपनी के फोन में। इसके बाद यहाँ से आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप लॉक का, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका फोन का पासवर्ड मांगा जाएगा जो आपको दे देना है। इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपके फोन के जितना भी ऐप इंस्टॉल रहेगा सभी यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ से आप इजीली किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हैं या लॉक कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे बताएंगे इस वीडियो पे, आपको बने रहना वीडियो के लास्ट तक। तो यहाँ से आप जिस भी ऐप को हाइड या लॉक करना चाहते हैं आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से मैं क्रोम ब्राउजर पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको ऐप लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यह आपको ऑन कर देना है। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे नीचे में आपको हाइड फ्रॉम होम स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप अपने ऐप को हाइड कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ ऐप को लॉक करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको ये ही ऑन करना है, इसके बाद यहाँ से आपको निकल जाना है। तो हाइड करने के लिए आपको ऑन करना होगा। जैसे ही आप ऑन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं यू आर यूजिंग हाइड फ्रॉम होम स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज सेट एन एक्सेस कोड। मतलब यहाँ पे आपको अपने एक्सेस कोड को सेट करना होगा तभी आप ऐप को हाइड कर सकते हैं। तो एक्सेस कोड सेव करने के लिए यहाँ पे आपको सेट एक्सेस कोड पे क्लिक करना है। जैसे आप सेट एक्सेस कोड पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको एक एक्सेस कोड सेट करना है, वो आपको अपने हिसाब से कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ हैश 885#। आपको फर्स्ट में ही हैश देना होगा और लास्ट में भी हैश देना होगा तभी ये एक्सेस कोड सेव होगा। इसके बाद डन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको थोड़ा यहाँ पे वेट करना है। इसके बाद आपको फिर से नीचे डन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ऐप हाइड हो चुका है। तो इस तरीके से आप जितना भी ऐप को हाइड करना चाहते हैं आपको सिंपली से उस पर क्लिक करना है। ये मेरा हो गया क्रोम ब्राउजर हाइड। इसके बाद मैं यहाँ से फेसबुक को हाइड कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से मेरा यूट्यूब को हाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूट्यूब हाइड हो गया। इसके बाद व्हाट्सएप को भी हाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूट्यूब भी हाइड हो चुका है, व्हाट्सएप भी हाइड हो चुका है, और यहाँ पे फेसबुक भी हाइड हो चुका है, और यहाँ पे क्रोम ब्राउजर भी हाइड हो चुका है। इसके बाद यहाँ से आपको निकल जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा वो फेसबुक नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, और यूट्यूब भी नहीं है, क्रोम ब्राउजर भी नहीं। तो उन सारे ऐप को आप यूज कैसे करेंगे, उन सारे ऐप को यूज करने के लिए आपको डायल पैड पे जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको वो एक्सेस कोड देना है जो एक्सेस कोड आपने सेट किया था। तो मैंने यहाँ पे मैं जो एक्सेस कोड सेव किया था वो दे देता हूँ #885#। जैसे ही आप एक्सेस कोड देंगे यहाँ पे आपके पास वो ऐप शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हिडन ऐप्स, ये चारों ऐप मैंने हाइड किया था आपके सामने, आप देख सकते हैं। यहाँ से आप इन सारे ऐप को बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ आप इन सारे ऐप को वापस कैसे लाएंगे। वापस लाने के लिए आपको फिर से सेटिंग्स पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको प्राइवेसी पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से ऐप लॉक पे जाना है। इसके बाद आपको जिस चीज आपको आपने लॉक किया था उस ऐप को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको ये ऑफ कर देना है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा ऐप मेरा वापस आ चुका है। सो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो आपको अच्छा लगता है एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।